जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाटू नाटू जो गाना है आरआरआर का, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, तो मैंने सोचा कि आज भी ना यहाँ पर क्यों ना उन साउथ इंडियन स्टार्स को याद किया जाए जो 90s में बॉलीवुड में आए थे. एंड ऑफ कोर्स बाय साउथ इंडियन आई मीन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड मलयाली स्टार्स. हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और अगर आप 90s लवर हैं देन प्लीज़ मेक श्योर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए. सो 90s के साउथ इंडियन स्टार्स जो बॉलीवुड में 90s में एंट्री किए थे, उनके नाम हैं सबसे पहले सबसे बड़े स्टार रजनीकांत सर. और रजनीकांत सर की एक बात है कि वैसे तो ये लेट 80s में बॉलीवुड मूवीज़ में आए थे, हिंदी मूवीज़ में, लेकिन लेट 80s में इनकी काफ़ी फिल्में बहुत अच्छी चली थी, जैसे कि चालबाज. और फिर 90s आते आते उनकी हम मूवी आई थी जो विच वॉज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म फॉर द फैक्ट दैट इट हैड टू बिगेस्ट सुपर स्टार्स टुगेदर, अमिताभ बच्चन एंड ऑफकोर्स रजनीकांत सर. और इसके अलावा एक और उनकी ऐसी फिल्म है 90s में जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, वो थी आतंक ही आतंक विद आमिर खान. बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल. साउथ इंडियन स्टार्स जो 90s में बॉलीवुड में आए थे उसमें नंबर 2 पर हैं कमला हसन साहब. सो कमल हसन साहब जो है ना, उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ की थी. वैसे तो 70s 80s में ही आ चुके थे हिंदी मूवीज़ में 80s में, लेकिन 90s में इन्होंने चाची 420 जैसी फिल्म हमें दी थी. इसके अलावा द्रोही फिल्म में वो आए थे और चाची 420 में तो उनकी परफॉर्मेंस को इतना लोगों ने पसंद किया था कि उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड्स हिंदी वाले जो थे उसमें भी ही वॉज नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी. एंड ऑफकोर्स दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाई हिम ऑल्सो. और इसके अलावा उनकी जो कुछ तेलुगु मूवीज़ थी, तमिल मूवीज़ थी, उनको डब भी किया गया था हिंदी में, जैसे कि इंडियन उनकी जो मूवी आई थी जिसमें वो गाना था ना टेलीफोन धुन में हंसने वाली, कमल हासन साहब की मूवी थी. एट नंबर 3 वी हैव द मेगा स्टार चिरंजीवी. तेलुगु फिल्मों के सबसे बड़े स्टार, मेगा स्टार का टाइटल इनको मिला हुआ है. ये 90s में मूवीज़ में आए थे और इनकी दो मूवीज़ जो बहुत उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया था लोगों ने एक्शन हीरो के तौर पे, वो थी प्रतिबंध जिसमें वो जूही चावला के साथ नजर आए थे, और इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था. और उसके अलावा देन द जेंटलमैन करके एक और फिल्म आई थी जिसमें अगेन जूही चावला के साथ उन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. और आपको बता दूं इसका वो गाना बड़ा हिट हुआ था, रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है. रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे हो जाना. 90s में ना साउथ इंडियन स्टार्स में सिर्फ मेल एक्टर्स नहीं आए थे बॉलीवुड में, फीमेल एक्टर्स भी आई थी. और उसमें सबसे बड़ा नाम है राम्या कृष्णन का. यस, शिवगामी जिसे आप बुलाते हैं ना, जिन्हें फ्रॉम बाहुबली. वो आज तो आप उनको शिवगामी के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि वो 90s में ही बॉलीवुड में आ चुकी थी हिंदी मूवीज़ में. खलनायक फिल्म में शी प्लेड संजय दत्त गर्लफ्रेंड. उसके अलावा चाहत मूवी में वो नसीरुद्दीन शाह की एक ऐसी बहन बनी थी हु इज मैडली एंड पैशनेटली लव विद शाहरुख खान. उसके अलावा बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. द नेक्स्ट साउथ इंडियन सुपरस्टार जो 90s में बॉलीवुड में आए थे वो है नागार्जुना. नागार्जुना वैसे तो क्रिमिनल मूवी में उनका एक हिंदी डब वर्जन जो बना था उसमें तो थे ही वो, विद मनीषा कोइराला एंड राम्या कृष्णन. लेकिन उसके अलावा उनकी शिवा मूवी जो आई थी वो काफ़ी हिट हुई थी, मतलब लोगों ने अगेन एज एन एक्शन हीरो उनको काफ़ी पसंद किया था. फिर उनकी बहुत ही सेंसिबल परफॉर्मेंस थी इन जख्म, पूजा भट्ट के हस्बैंड का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था. फिर खुदा गवाह में वो श्रीदेवी के साथ और अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. एक हिंदुस्तानी भी एहसान का बदला एहसान से दे सकता है. साउथ इंडियन स्टार्स हु मेड देयर एंट्री इन बॉलीवुड इन द 90s में नेक्स्ट हैं वो जिनपे काफ़ी 90s की लड़कियों को क्रश था, और वो हैं अरविंद स्वामी. अरविंद स्वामी रोजा फिल्म में थे, बॉम्बे फिल्म में थे, और एक और काजोल के साथ जो उनकी फिल्म आई थी सपने उसमें थे. फिर सात रंग के सपने जूही चावला के साथ उनकी फिल्म आई थी उसमें भी थे, और बहुत लड़कियों को पसंद थे वो. लाइक ऑलमोस्ट एवरी 90s गर्ल हैड अ क्रश ऑन अरविंद स्वामी. नेक्स्ट इन माई लिस्ट ऑफ साउथ इंडियन स्टार्स हु एंटर्ड इन 90s बॉलीवुड में जो आए थे वो हैं रेवती. रेवती ने बहुत सारी अच्छी मूवीज़ हमें 90s में दी थी. ऑफ कोर्स द मोस्ट नोटिसेबल परफॉर्मेंस वाज सलमान खान के साथ इन द मूवी लव,
जिसके गाने बहुत हिट हुए थे, उनके कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसके अलावा एक मुस्कुराहट नाम से उनकी मूवी आई थी जो ज़्यादा नहीं चली बॉलीवुड में, मतलब हिंदी यू नो उस वक्त बॉलीवुड में, लेकिन काफ़ी अच्छी फिल्म है वो। उनकी स्पेशली रेवती की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एंड देन उनकी सबसे खौफनाक फिल्म आई थी रात, राम गोपाल वर्मा की ये मूवी, जो इट वॉज ऑफकोर्स हॉरर जॉनरा की फिल्म थी, पर बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था इस मूवी में रेवती ने। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज वेंकटेश रघुपति। ऑफकोर्स आज आप राणा रघुपति को तो सब जानते हैं, लेकिन वेंकटेश रघुपति ने 90s में अनाड़ी फिल्म से एंट्री की थी अलॉन्ग विद करिश्मा कपूर, मतलब बॉलीवुड में, और उनका गाना काफ़ी हिट हुआ था, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। फिर उसके अलावा उन्होंने तकदीर वाला फिल्म की थी विद रवीना टंडन। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज रंभा। रंभा ने भी 90s में काफ़ी सारी हिट मूवीज़ की थी, जैसे कि जो बॉलीवुड में उन्होंने की थी, जैसे जुड़वा सलमान खान के साथ, जिसमें सलमान खान की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था। फिर सलमान खान के साथ ही बंधन नाम की इन्होंने फिल्म की थी जो काफ़ी हिट हुई थी। एंड देन अनिल कपूर के साथ घरवाली बाहर वाली। खान जाने में आपके साथ शादी करके काजल दीदी के साथ मैंने बहुत अन्याय किया है, ये बच्चा उनकी गोद में डालकर मैं अपना प्रायश्चित कर लूंगी। एंड लास्ट में है हमारे प्रभु देवा साहब। यस, ये भी 90s में बॉलीवुड में आए थे और अपने डांस और गानों की वजह से बहुत पॉपुलर हुए थे, जैसे कि हमसे है मुकाबला मूवी, जिसका ऑफ कोर्स ऑल द सॉन्ग्स जो आज भी ट्रेंड कर रहे हैं, उर्वशी उर्वशी मुकाबला, वो जो सारे गाने हैं उनको हिंदी में भी ऑफ कोर्स डब किया गया था। और प्रभु देवा को देखकर, मतलब सब लोग उनके डांसिंग स्किल्स देखकर 90s में बॉलीवुड में काफ़ी हैरान थे। एंड फिर उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, एक और सेंसिबल टाइप की परफॉर्मेंस भी की जो कि सपने मूवी में थी काजोल के साथ। सो दिस वॉज माई लिस्ट ऑफ साउथ इंडियन स्टार्स हु एंटर्ड बॉलीवुड इन द 90s। एंड यू नो अगर आपकी लिस्ट में भी कोई है, चाहे वो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयाली स्टार्स हैं, देन प्लीज़ मेक श्योर यू एड देम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। और बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको विद अ न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज़ कीप स्माइलिंग।